बोलेरो चोरी का सीसीटीवी मौजूद, फिर भी पिछले 14 घंटे से एफआईआर नहीं दर्ज की नई गढ़ी पुलिस ने। एक चोर वाली जगह और नई गढ़ी थाने की दूरी में चंद कदमों का ही है अंतर, फिर भी ले उड़े चोर बोलेरो। नई गढ़ी थाने के बगल से बोलेरो गाड़ी हुई चोरी, पुलिस ने 14 घंटे से ज्यादा हो गया अभी तक नहीं लिखी एफआईआर। हम आपको बता दें, बोलेरो चोरी का सीसीटीवी मौजूद, फिर भी पिछले 14 घंटे से एफआईआर नहीं दर्ज की नई गढ़ी पुलिस ने। चोरी वाली जगह और नई गढ़ी थाने की दूरी में चंद कदमों का है फासला, फिर भी ले उड़े चोर बोलेरो गाड़ी। सीसीटीवी फुटेज चोरी गई बोलेरो जीप का हुआ वायरल, नई गढ़ी थाने का है मामला। 14 घंटे से ज्यादा हो गए अभी तक नहीं लिखी पुलिस ने रिपोर्ट। बोलेरो का नहीं चला कहीं भी पता, जबकि जिस जगह से बोलेरो चोरी हुई वह जगह थाने से बिल्कुल लगी हुई है। नई गढ़ी थाना में बैठा रखा है शिकायतकर्ता को, लेकिन अभी तक नहीं दर्ज की गई उसकी एफआईआर। सबसे बड़ी बात, घटना के 14 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं। हम आपको बता दें, रीवा जिले के नई गढ़ी कस्बे में बीती रात थाने से महज 100 मीटर दूर स्थित इंडियन गैस एजेंसी के सामने खड़ी बोलेरो जीप क्रमांक MP17BA1429 चोरी हो गई, जिसका सुराग अभी तक नहीं चला। नई गढ़ी थाना पुलिस ने 14 घंटे से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी नहीं दर्ज की रिपोर्ट, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से दिखाई दे रहा एक लड़का आता है, आराम से बोलेरो का दरवाजा खोलता है, ड्राइविंग सीट में बैठता है, धीरे धीरे गाड़ी को पीछे करता है, उसे कोई जल्दी नजर नहीं आ रही है। उस दौरान सड़क से ट्रैफिक लगातार आता जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन चोर के हौसले तो देखिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई उसे देख लेगा, कोई उसे पकड़ लेगा, उसे किसी का कोई भी खौफ नहीं। इत्मीनान से गाड़ी बैक करता है और वहां से 9:00-11:00 हो जाता है। इसके बावजूद भी नई गढ़ी थाना पुलिस रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं। इससे नई गढ़ी पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे। नई गढ़ी थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरियों का ग्राफ बढ़ गया है। थाना परिसर में लगे इंडियन गैस एजेंसी के सामने से चोरी गई बोलेरो जीप की खोजबीन करने में नई गढ़ी थाना पुलिस द्वारा की जा रही हीलाहवाली एवं थाना में बैठे पीड़ित की फरियाद न सुने जाने से परेशान पीड़ित शिव बहोर मिश्रा ने हमको बताया, उसका साफ तौर से कहना था, 14 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, मेरी गाड़ी बोलेरो जीप क्रमांक MP17BA1429 कल रात को कोई अज्ञात व्यक्ति घर के बाहर से उठा ले लिया। निश्चित रूप से जिस तरीके से थाने के बगल से इंडियन गैस एजेंसी के ठीक सामने खड़ी गाड़ी MP17BA1429 एक अज्ञात चोर उठा कर ले गया, माना जा सकता है चोर के हौसले काफी बुलंद। थाने से महज 100 कदम की दूरी, ये माना जा सकता है थाने और गैस एजेंसी अगल बगल, उसके बावजूद बोलेरो गाड़ी, फोर व्हीलर गाड़ी की चोरी एक अज्ञात चोर ने कर डाली। इसे चोर के हौसले ही माने जाएंगे कितने बुलंद हैं। सुहागी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है नई गढ़ी थाने की पुलिस का चोर को कोई खौफ नहीं। साफ तौर से माना जा सकता है पुलिस ने अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की, जबकि 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर पीड़ित शिव और मिश्रा ने हमें क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। कल यहाँ गैस एजेंसी के बगल में सामने ठीक सामने गाड़ी खड़ा कर दिए थे बोलेरो MP17BA1429 थाना से ठीक 100 मीटर की दूरी में। वहाँ से हमारी अज्ञात चोरों द्वारा गाड़ी चोरी हो गई। उसके लिए मैं 8:45 के करीब जब थाने में आया तो आवेदन दिया, उसके बाद भी अभी तक हमारा FIR नहीं लिखा गया है। 12 बजे के लगभग तक मैं थाना परिसर में उपलब्ध था तो हमारी शिकायत नहीं दर्ज हुई। अभी मैं सुबह से फिर से थाना परिसर में आया हूं तो हमारा FIR नहीं लिखा गया है, और मैं थाना प्रभारी से भी फ़ोन लगाया तो बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन नहीं रिसीव हुआ है। हमारे कई व्यक्ति भी थाना प्रभारी से बात किए हैं, लेकिन अभी तक कोई हमको उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमको